डॉक्टर खान, लगता है ब्लैक शैडोज ने अपनी एक्टिविटीज एक बार फिर शुरू कर दी हैं। हाँ, मुझे लगा ही था। ब्लैक शैडोज नए वॉच कार डेवलपमेंट प्रोसेस की टेक्नोलॉजी को यूज करके मॉन्स्टर वॉच कार्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बच्चे अभी तो उनसे लड़ते रहेंगे, पर मुझे फ्यूचर की चिंता है। सुनो, मुझे लगता है अब वीर और ब्लूविल को माइंड की ले लेनी चाहिए। अगर शैडोज को उसकी खबर मिली तो वो माइंड कीज लेने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर खान, पिछले वॉच कार चैंपियंस इस वक्त दिन रात माइंड की को गार्ड कर रहे हैं, ट्रस्ट मी। लेकिन शैडोज उसे हासिल करने की कोशिश करेंगे किसी भी कीमत पर, इसलिए हमें हर वक्त गार्डेड रहने की जरूरत है। और शायद फिर भी हम हार जाएं। हम उसे कभी ब्लैक शैडोज के हाथ नहीं लगने देंगे। यस ऑफ कोर्स, लेकिन एक बात है, माइंड की हासिल करने के लिए गार्डियंस टेस्ट पास करना जरूरी है, और सबसे पहले ये साबित करना होगा कि वो उसे डिजर्व करता है। वीर और ब्लूविल ये कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, और मुझे भरोसा है वीर और ब्लूविल पर। मैं बता रहा हूँ, कल का मैच सच में एपिक था। बस करो, वो कुछ भी नहीं था। हाँ, क्या कह रहे हो तुम? हाँ? वो लास्ट मूव तो ब्रिलियंट था मैन। ये क्या आवाज थी? ये तो किसी भूत की हंसी लग रही है। भूत भूत कुछ नहीं होता है ना, हमने गलत सुन लिया होगा। मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है। ओके, मैं ऐसे प्रैंक से डरने नहीं वाला, सुना तुमने? मुझे बहुत डर लग रहा है, डर लग रहा है। लाइट ऑन करके देखते हैं ये कौन है, लेकिन मुझे कुछ भी करने से डर लग रहा है। ये तो पहले ही बेहोश हो गया। ओह, ये चिकन वीर, मुझे पता था कि ये डर जाएगा। ओह गॉड, इसने कहा था इसे बिल्कुल डर नहीं लगता, और अब ये देखो। सैम, मुझे पता था तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, तुम ब्रेव हो। इन्हें क्या हुआ? सीरियसली? सैम, उठो अब, ये सिर्फ एक सिली प्रैंक था, कम ऑन यार, ये सिर्फ मजाक था। ये तो एक छोटा सा प्रैंक था, ये कितनी जल्दी डर जाता है। हाँ, हे किड्स, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ? 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 हम भूत नहीं है। Help me! Guys, एक माइंड की? Wow! That's right. तीन माइंड कीज हैं। माइंड कीज ऑफ करेज, ऑफ लव एंड ऑफ पावर। और उन्हें सिर्फ ब्लूविल द नेक्स्ट जनरेशन वॉच कार यूज कर सकता है। What? वो मेरा ब्लूविल है। हाँ। माइंड कीज के साथ नील को हराना बाएं हाथ का खेल होगा, फिर मैं सबका चैंपियन बन जाऊंगा। बेवकूफ मत बनो, तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतनी पावरफुल चीज को मैच में यूज कर सकते हो? हाँ, मतलब क्या है तुम्हारा? एक्चुअली सैम सही कह रहा है, माइंड कीज को ब्लैक शैडोज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए बनाया गया है। ये बहुत पावरफुल है, इसलिए मैच में यूज नहीं कर सकते इन्हें, ये रूल है। ये रूल्स हैं, गया मेरा चैंपियन कप। हे वीर, तुम निराश मत हो, जब तुम करेज, लव और पावर माइंड कीज को पाने के लिए मेहनत करोगे, मेरा प्रॉमिस है तुम बहुत कुछ सीखोगे। ऑलराइट, तो वो माइंड कीज कहाँ है, मुझे अभी बता दो प्लीज। इतनी जल्दी मत करो, वो तीन माइंड कीज तीन गार्जियंस की प्रोटेक्शन में है, जो उन्हें बहुत अच्छे से गार्ड करते हैं। उन कीज को पाने के लिए तुम्हें उनके टेस्ट पास करने होंगे। टेस्ट? ओ,
पहला टेस्ट होगा माइंड की ऑफ करेज के लिए। वीर, कोई प्रॉब्लम ना हो। डोंट वरी, मैं वीर हूँ, मैं संभाल लूंगा। समझ लो वो अब मेरे ही पास है। फाइनली मुझे पता चल गया फर्स्ट माइंड की कहाँ है। अब जब पता चल गया है कि फर्स्ट माइंड की कहाँ है, तो जाओ और उसे लेकर आओ, और जो बीच में आए उसे खत्म कर दो। इस बार हम जरूर जीतेंगे, आई अश्योर यू मास्टर। डॉक्टर खान बहुत स्मार्ट बनते हैं, आखिर कब तक वो उन्हें छुपाएंगे। मैं सारी माइंड कीज हासिल करके तुम्हारे प्लान को आउटडेटेड बना दूंगा, और फिर दुनिया की सारी वॉच कार्स मेरी मुट्ठी में होंगी। जरा सोच कर देखो ये कितनी ग्रेट पावर्स हैं, अनइमेजिनेबल। ऑफ कोर्स तुमको मालूम होगा कि इन माइंड कीज को ढूंढने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। अगर तुम फेल हुए तो अंजाम तुम जानते हो। तुम्हारे सारे बुरे ख्वाब सच हो जाएंगे, और वो सो कॉल्ड नेक्स्ट जनरेशन फौज कार ब्लू विल वहाँ हो सकती है शायद। ओके, उसे वो नहीं मिलनी चाहिए, समझे? यस सर, बिल्कुल सर। अब जाओ और माइंड की लेकर आओ। यस सर। यहाँ मिलेगी माइंड की ऑफ करेज। वाओ, ये बाहर से कितना डरावना लग रहा है, लेकिन हमें अंदर जाना है। ये सिर्फ एक घर है जहाँ लोग रहते हैं और कुछ नहीं। ये गेट तो अपने आप खुल गया। ये एक ऑटोमेटिक डोर होगा। चलो अंदर चलते हैं। हे हटो, तुम इतना डर क्यों रहे हो? मुझे डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। तुम बहुत इजीली डर जाती हो, और फिर भी हर वक्त टफ बनकर दिखाते हो, क्या कर रहे हो? हटो मेरे ऊपर से। यहाँ का एटमॉस्फेयर कितना अजीब है, जैसे अभी कोई निकल कर आ जाएगा। डोंट वरी, बी कूल, बस मुझे फॉलो करो। ओके गाइस। ये क्या हो रहा है? ए वीर, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, मैडी जैसा भूल। हाँ मैडी, ये तुम्हारे होंठों पे क्या है? ये स्ट्रॉबेरी जैम। मुझे भूख सी लगी थी तो मैंने ब्रेड जैम खा लिया। What? क्या? ये क्या है? लाइट अचानक बंद हो गई। वो क्या है? मुझे डर लग रहा है। मुझे तुमसे ज्यादा डर लगता है। बड़ा झमेला मत बनाओ और आगे चलो। मुझे पीछे रहना पसंद है। मेरे लिए रुको, मुझे
ओह वीर, जल्दी खोलो, शायद उस तरफ इतना डरावना नहीं होगा। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें सच में इतना डर लग रहा है? क्या मैं खोलूं इसे? नॉनसेंस, मैं बस सावधानी रख रहा था। इतने सावधान रहोगे तो सारा दिन निकल जाएगा। मैंने कहा ना मैं खोल लूंगा। आप सभी का स्वागत है, यहाँ आने के लिए थैंक यू। आप एक असली भूत नहीं हैं, हैं क्या? बिल्कुल नहीं, मेरा नाम सूजी है, मैं माइंड की गार्डियन हूँ। वाओ, आप कितनी फ्रेंडली हैं, शायद हमारी आंखों में कुछ गड़बड़ हो गई होगी। इस वॉचकार का नाम है जैकी, ये बहुत प्यारी है। तो जो वॉचकार हमें टेस्ट करेगी वो ये है? हाँ बिल्कुल, मैं और जैकी ही आप लोगों को टेस्ट करेंगे। बिल्कुल भी नर्वस मत होना, इसे बस एक इजी गोइंग मैच समझो। क्या आप इस सब के बारे में श्योर हैं? क्योंकि हम रफ खेलते हैं। ये देखने में तो ठीक है लेकिन पक्का कुछ गड़बड़ है। कुछ तो अजीब है। अगर ये यहाँ के गार्जियन है तो जरूर जरूर इसमें कुछ खास होगा। तो सबने एक दूसरे को जान लिया है, चलो टेस्ट शुरू करें। देखो सॉरी बट मैं ही जीतूंगा और माइंड की ले जाऊंगा। तो तुम कह रहे हो तुम माइंड की ले जाओगे? आई होप कि तुम सच में जीतो और माइंड की ले जाओ। बैटल मोड ऑन। ये क्या है? तुम जैसे डरपोक ने माइंड की को लेने की हिम्मत की? How crazy! क्या मुझे एक भूत के साथ मैच खेलना होगा? जैकी गो डरे हुए हो, कितने पैथेटिक हो। ये लो हॉरिबल पावर लेजर फायर। मैं बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं हूँ। यू नो ब्लू पल्स गन फायर। ठीक छोटे बच्चे हो तुम, यहाँ आने पर पछताओगे, देखते जाओ। एक्टिवेट मिस्टिकल इल्यूजन। ये क्या है? मुझे यकीन नहीं होता ऐसा कोई मूवीज दुनिया में हो भी सकता है। ये तो सुपरनैचुरल पावर की तरह है, बट मुझे लगता है कि मैंने पहले इसके बारे में कहीं तो जरूर सुना है। रुको जरा, ये एक लेजेंडरी स्किल है जो वॉचकार के चैंपियन ने लगभग 10 साल पहले यूज की थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इसे देख रहा हूँ। इससे मैं नहीं डरा, मैं बिल्कुल नहीं डरा। ब्लू पल्स गन फायर। नहीं, वो ये अटैक काम नहीं कर रहे। मैं तुम्हें डरने के लिए जरूर कुछ दूंगी। हॉरिबल पावर लेजर फायर। ब्लू व्हेल, प्लीज उठो, कम ऑन, कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन मूविंग, और बस एक चांस का वेट करो। क्या मजाक है, तुम्हें ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। एक्सट्रीम टॉर्नेडो फायर।
मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा, मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है। Stop it now! मैं ये सब नहीं झेल सकता। हम क्या करें? फिर कुछ भी करने से डर रहा है यार। तुम डरपोक हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माइकी को ले जाने की? ये लो। वीर, तुम्हें उठना होगा, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, नहीं तो ब्लू व्हेल बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। वो ठीक कह रही है वीर, हम तुम्हारे साथ हैं। Be brave, तुम ये कर सकते हो। क्या तुम ब्लू व्हेल को वापस से खोना चाहते हो? क्या तुम वहाँ खड़े होकर मुझे यही सब बताओगे कि तुम यही सब कर सकते थे? ब्लू व्हेल मेरी वजह से खत्म हो रहा है। ओह नो, नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकता। मैं ब्लू व्हेल को इस तरह खत्म नहीं होने दूंगा। अब मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। ब्लू व्हेल, चलो साथ में हिम्मत दिखाते हैं। तुम सच में बेवकूफ हो। तो तुम जैसा डरपोक ये कर सकता है? हाँ? मुझे शांति से सोचना होगा, इनमें से कोई तो असली जरूर होगा। मैं अब डरपोक नहीं हूँ। जिसकी शैडो दिख रही है वो ही असली है। यू बस्टर रेलगन फायर। ये इम्पॉसिबल है। वाओ, ही डिड इट। उसने उसकी स्किल को हरा दिया। वीर ने ब्लू व्हेल के बारे में सोचा और अपने डर को भूल गया। ये है मेरा दोस्त वीर, ये हुई ना बात। यू रॉक। ब्लू व्हेल, अब टाइम है काउंटर अटैक का। ब्लू पल्स गन फायर। ओह, तुम ढीठ बच्चे। हॉरिबल पावर लेजर फायर। ब्लू पल्स गन फायर। ओह, बेकार बदमाश बच्चे, इसको मैं एक बार में ही खत्म करती हूँ। हम अब पीछे नहीं रहेंगे ब्लू व्हेल। पावर कॉइन ट्राई। ब्लू ड्रैगन ग्रिम रिपर एक्टिवेट। जीत गया, हमने कर दिखाया ब्लू व्हेल। याहू, वो जीत गए। विक्टरी। क्या कहा तुमने? रुको। कंग्रेचुलेशंस, तुमने टेस्ट पास कर लिया। तुम सच में अमेजिंग हो। मैं तुम्हारी और ब्लू व्हेल की हिम्मत से बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। वैसे मैं अपनी ब्रेवरी के लिए जाना चाहता हूँ। ये देखो, ये माइंड की ऑफ करेज है वीर। वाओ, ब्लू व्हेल एक बहुत ही स्पेशल कार है सच में। ब्लू व्हेल और तुम्हारे पास ये की जरूर होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू। पर आप असली भूत नहीं है ना? ये क्या हुआ? वो दीवार तोड़कर आ गए। मेरी माइंड की। तुम्हारी माइंड की? सच में? अब ये हमारी है।
की वापस दो। नहीं, ये गलत है, उन्होंने माइंड की चुरा ली। फाइनली माइंड की हमारे हाथ में आ गई। हम क्या करें, ब्लैक शैडोज हमसे माइंड की भी ले गए। सच कहूं तो वो इसको बुरे कामों में यूज करेंगे। हम ये नहीं होने देंगे, चाहे जो हो जाए, हमें उसे वापस लाना होगा। हाँ एवरीवन, चिंता मत करो और मेरे पीछे आओ, कम ऑन। वाओ, चलो उन्हें इसमें फॉलो करें। सब रेडी है क्या, हम चले? जल्दी। एवरीवन, ये थोड़ा हाई स्पीड और डेंजरस हो सकता है, तो सभी सीट बेल्ट कस के बांधें। हाँ, हमने लगा ली, अब प्लीज जल्दी चलो। ओके, तो फिर चलते हैं। रुको प्लीज। उन्हें नहीं पता कि उनके साथ क्या होने वाला है। अब मैं तुम्हें डेविल स्पीड दिखाती हूँ। मुझे मजा आ रहा है, ये वाकई कमाल है। क्या तुम थोड़ा धीरे नहीं चल सकती? ओह, ये बकवास है, मजा तो अब शुरू होने वाला है। चोर को पकड़ने के लिए ये सही रहेगा, तुम्हें नहीं लगता? पकड़ लिया, आखिर वो ज्यादा दूर तक नहीं गए। गए क्या? देखो, हमने उन्हें पकड़ लिया। तुम चोरों, हमें वो माइंड की वापस करो अभी। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? एक बार हम तुम्हें पकड़ लें, फिर नहीं छोड़ेंगे, ये समझ लेना तुम। हाँ, कौन कहता है हम पकड़े जाएंगे, कितने अननोइंग बच्चे हैं। ठीक है, फिर सबसे तेज रफ्तार पकड़ो। रुक जाओ अभी, मैं तुम्हारा मरने का पीछा करूंगी। God! वो हमारा पीछा कर रहे हैं। बकवास, उन्हें दिक्कत क्या है? मुझे चक्कर आ रहे हैं। और ये रही माइंड की। ओह थैंक गॉड, आखिर हमें की वापस मिल ही गई, इसे फिर से नहीं खोने दूंगा। ओह माय गॉड। हाँ, अब हमें क्या करना होगा? वो लोग शैडो की माइंड की ले गए हैं। बेहतर होगा उसे वापस दे दो, या ऐसा सबक सिखाएंगे कि भूल नहीं पाओगे। हाँ? ये गलत है, ये तुमने ही हमसे चुराया है। हम नहीं चुराया है। अगर तुम नहीं भी दोगे तो भी हम इसे पक्का ले लेंगे। जल्दी करो, मॉन्स्टर वॉच कार को डिस्पैच करो। मॉन्स्टर वॉच कार, डिस्पैच हो अभी।
पर ये क्या है? एक मॉन्स्टर जैसी वॉचगार्ड। हाँ, चलो मैं तुम सबको हरा दूंगा, जो कर सकते हो कर लो। तुम लिटिल रैट्स, हमसे पंगा मत लेना। इलेक्ट्रिक फायरबॉल्स। तुम्हें हमारी माइंड की चोरी करने का अंजाम भुगतना होगा। ब्लू लाइटनिंग फायर, फायरबॉल्स फायर। वो उसे सिर्फ गुदगुदाता है, उसका पेट गुदगुदाता है। और अब बॉडी ब्लास्ट एक्शन। इलेक्ट्रिक फायर। ब्लू व्हेल, उसे चकमा दो। गुड, अब मेरी बारी है। लव लव की फायर। ओ, उसे क्या दिक्कत है, देखो उसे। उसका दिमाग खराब हो गया काया। लव लव बीम का अटैक हमेशा बेस्ट होता है। दोस्तों, अटैक करने का ये अच्छा मौका है। बहुत अच्छे, एक बार फिर अटैक करते हैं। ब्लू लाइटनिंग फायर। फायरबॉल फायर। क्रेजी मिसाइल तुम इसे अटैक कहते हो सही में? मैं बताता हूँ असली अटैक क्या होता है। ये सामने से नहीं बल्कि साइड से रोल होता है। रोलिंग अटैक। स्ट्राइक, चलते रहो और अटैक करो। ब्लू व्हेल, सोना, मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा इस इलेक्ट्रिक वेव से। इतनी तेज बिजली के झटके, ये ऐसे चलता रहा तो ये पूरी तरह तबाह हो जाएंगे। ये कैसा था लिटिल ब्रेड्स? माय गॉड, हम मुश्किल में हैं दोस्तों। जल्दी से हमें कोई रास्ता खोजना होगा। सब सुनो, अभी भी एक दूसरा तरीका है। क्या? ठीक है वीर, माइंड की काम में लो। ये ताकतवर है और ये खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन अब इसे जीतने का यही एक तरीका है। ठीक है, मैं समझ गया, ये एक अच्छा मौका है। माइंड की बिल्कुल अलग दिख रहा है। ओह, ये खतरनाक लग रहा है। जल्दी रॉबी, अटैक। इलेक्ट्रिक फायरबॉल। ये तो हिला सकते हैं। रॉबी, फिर से अटैक करो। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक वेव फायर। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक वेव का उन पर कोई असर नहीं हुआ लगता है। बहुत अच्छे, ड्रैगन विंग फायर। बहुत अच्छे ब्लू व्हेल। नहीं, ये बहुत शक्तिशाली है, हम हार जाएंगे। यहाँ चुपचाप खड़े मत रहो, पहले भी कहा था कुछ करो। क्या?
मैं क्या कर सकता हूँ इसके बारे में? मैं अब इसे खत्म कर देता हूँ। पावर कॉइन ड्राइव। ग्रेट ड्रैगन हरा दिया। ब्लू विल तो ग्रेट है। ये काफी अच्छा था। बेवकूफ, इनकी तारीफ मत करो। आज हम उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन सिर्फ अगली बार तक के लिए। काया, मुझे छोड़कर मत जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया सूजी, ये शानदार था। मुझे खुशी है कि माइंकी को उसका सच्चा और योग्य मालिक मिल गया है। क्या तुम लोगों को घर की तरफ जाना है? मैं तुम्हें ले जा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा घर ज्यादा दूर नहीं है। सच में शुक्रिया। सच में? सच, हम वॉक करके घर जा सकते। तुम इसकी चिंता मत करो। अच्छा चलो, अब मुझे लगता है गुड बाय कहने का वक्त आ गया है, है ना? दोस्तों, तुम सबसे मिलना वाकई में शानदार रहा। और वीर, अगली बार का मैच इससे भी ज्यादा मजेदार रहेगा। ओ हाँ बिल्कुल, तुम्हारे साथ खेलने में मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगली बार तक के लिए सभी को ध्यान से सुनो और मेरी बात गांठ बांध लो। अगली बार मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगी। Ha 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 ha!